नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फैमिली रीयूनियन केस है। करणप्रीत कौर जी हमारे साथ हैं। इनका अभी जर्मन का लेटेस्ट फैमिली रीयूनियन वीज़ा आया है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स के रेगुलर फ़ोन आ रहे हैं कि जर्मन एम्बेसी न्यू अपॉइंटमेंट कब खोलेगी। अभी तक जर्मन एम्बेसी ने न्यू अपॉइंटमेंट ओपन नहीं की हैं। आज की डेट में जर्मन एम्बेसी उन्हीं को वीज़ा प्रोवाइड कर रही हैं जिनके ऑलरेडी केसेस एम्बेसी के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहां उनको वीज़ा रीस्टैंपिंग कर रही हैं जिनके वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तो हमने अभी काफ़ी वीज़े जो रीस्टैंपिंग के लिए भी डाले हुए थे, जिनके वीज़ा ऑलरेडी, चाहे वो स्टूडेंट का था, चाहे वो फैमिली रीयूनियन का, चाहे वो वर्क परमिट का था, जिन्होंने पहले वीज़े ले लिए थे कोविड से पहले, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पाए जर्मन में, तो ट्रैवल नहीं कर पाए, उनके वीज़ा एक्सपायर्ड हो गए। वीज़ा एक्सपायर्ड हो गए तो उन्होंने फिर हमारी वीडियोस देखी हमारे चैनल के ऊपर, देखने के बाद हमें संपर्क किया, तो हमने काफ़ी क्लाइंट्स के जो वीज़ा हैं वो दोबारा रीस्टैंपिंग करवा कर दिए हैं। कुछ ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर हैं, तो रीस्टैंपिंग के लिए भी हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब आपने अपना वीज़ा रीस्टैंपिंग करवाना है, क्योंकि एम्बेसीज़ की कुछ रिक्वायरमेंट है रीस्टैंपिंग के लिए, चाहे वो फैमिली रीयूनियन का है, चाहे वो स्टूडेंट का है, चाहे वो आपका वर्क परमिट का है। इसी तरीके से जो फाइलें ऑलरेडी सबमिट थी एम्बेसी के अंदर, जिनकी कोविड से पहले और जिनके डिसीजन नहीं आए थे और जिनके डिसीज़न आ चुके थे, जिनमें उन्होंने एम्बेसी ने ईमेल कर दी थी, करने के बाद फाइल अपनी पासपोर्ट सबमिशंस के लिए कहा था, लेकिन कोविड के कारण पासपोर्ट इन टाइम सबमिट नहीं हो पाए थे। तो ये ऐसा ही केस है कि इनका ऑलरेडी एम्बेसी से ईमेल आ चुका था, इनके जो वीज़ा अप्रूव हो चुका था, इन्होंने अपना पासपोर्ट सबमिट करना था, लेकिन कोविड के कारण तो वो अपना पासपोर्ट इन टाइम सबमिट नहीं कर पाई। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थे किरणप्रीत जी। तो क्योंकि फैमिली रीयूनियन का केस ऐसा होता है कि हर को टेंशन होती है कि यार मेरे वहाँ से डॉक्यूमेंट आए थे, मैंने अपने स्पाउस को जाके वहाँ पे ज्वाइन करना है, वीज़ा नहीं आया, क्या होगा आगे, बड़ी मुश्किल से डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट की भी यही टेंशन रहती है। स्टूडेंट्स के बारे में मैंने अभी कल, इससे पहले एक दिन पहले वीडियो डाली थी, जिस बच्चे का ऑलरेडी स्टूडेंट का वीज़ा आया हुआ था, फिर एक्सपायर्ड हो गया, फिर रीस्टैंपिंग करवा कर दिया, जो कि बच्चा अभी 13 या 14 तारीख को ट्रैवल कर रहा है जर्मन में, तो ट्रैवल भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमने डॉक्यूमेंट भी मंगवा कर दिए कि आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए कि फ़िज़िकल क्लासेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं रीस्टैंपिंग के लिए, वो भी लगा कर दिए। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जिनके वीज़ाज ऑलरेडी आ चुके हैं उनकी हमने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा दी हुई है रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में। कारण क्या है कि जब उन्होंने ट्रैवल करना है तो वहाँ से हमें डॉक्यूमेंट मंगवाना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसी को डॉक्यूमेंट भेजती है जो बच्चे यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट में है जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। चलो लेट्स पहले हम मैडम से अपने फीडबैक के बारे में पूछेंगे। इनका जो वीज़ा आ चुका है, इवन इनको ये टेंशन थी कि कोविड के कारण इनके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, इनके पेरेंट्स ने भी फ़ोन किया, मैडम ने भी रिक्वेस्ट की हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे, दिल्ली वाला काम भी आप ही करवा कर दो जो सबमिशन करवानी है, क्योंकि यहाँ का वाला BFS खुला नहीं है, जलंधर का ना चंडीगढ़ वाला खुला है, दिल्ली वाला ही BFS खुला हुआ है, तो ये ट्रैवल भी करने के लिए अवॉइड कर रहे थे। तो फिर हमने इनकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर, अथॉरिटी लेकर लेटर लेने के बाद अपने बिहाफ के ऊपर पासपोर्ट भी दिल्ली में हमने खुद सबमिट करवाया। दिल्ली में सबमिशन के बाद 2 or 3 वर्किंग डे के अंदर मैडम का जो वीज़ा है फैमिली रीयूनियन का ऑलरेडी आ चुका है, तो वो मैं आपको वीज़ा भी बता देता हूँ। और जिनके केस ऑलरेडी हमारे पास चल रहे हैं, ये इनका वीज़ा आया हुआ है, तो जिनके केस ऑलरेडी हमारे पास चल रहे हैं और जो इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो फैमिली रीयूनियन के हैं, चाहे वो वीज़ा अपॉइंटमेंट के हैं, तो वो भी हमें संपर्क करें, तो उनकी भी हम 100% हेल्प कर सकते हैं। एक लेटेस्ट न्यूज़ और भी बता दूँ कि जर्मन गवर्नमेंट ने जो अपनी स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट को चेंज किया है, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो चुका है आज की डेट में। जर्मन गवर्नमेंट जितने भी स्किल्ड प्रोफेशन के लोग हैं, दे आर वेलकमिंग देम कि हाँ आप हमारी कंट्री में आएँ, सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास एटलीस्ट B1 या B2 लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी जहाँ से इंडिया से ITI की हुई है या पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया, आपको 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, इवन अगर आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशन से की बैकग्राउंड है आपकी, उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस है, चाहे आप नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, चाहे आप फार्मासिस्ट हैं, चाहे आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं और जर्मन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए उन्होंने एक डिफरेंट टाइप की कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है। इवन ये एक्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद
उन्होंने अपनी जो पीआर पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा लिनियट कर दी हुई है, क्योंकि जर्मन में पीआर लेना इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट था आज से अगर हम 2 साल पहले की बात करें, जहाँ ये एक्ट आने से पहले की बात करें। तो अभी जर्मन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर आप वहाँ पर एज ए स्किल्ड माइग्रेशन पर आए हुए हैं जर्मन के अंदर, अगर आप उसके ऊपर 4 साल जॉब करते हैं तो आपको 4 साल के बाद आपकी 100% एलिजिबिलिटी है पीआर की, तो इस टाइप की भी बेनिफिट ले सकते हैं। जर्मन के हमारे बहुत सारे अभी वीज़ाज आ रहे हैं और जर्मन में हम बहुत एक्सपर्ट हैं हर एक वीज़ा कैटेगरी के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जर्मन से रिलेटेड आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मैडम जी से भी थोड़ा पूछेंगे कि हमारा फीडबैक कैसे लगा, लेकिन मैडम जी ने एक मुझे ज़रूर बताया कि जब भी आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, चाहे मैंने कोई मोबाइल परचेज़ करना है, चाहे मैंने कोई पेन भी परचेज़ करना है, चाहे मैंने कोई शर्ट भी परचेज़ करनी है, सबसे पहले ऑनलाइन परचेज़ करनी है, हम सबसे पहले उस कंपनी के रिव्यू चेक करते हैं ऑनलाइन जाकर कि देखें कि कंपनी का कैसे रिव्यू है। तो हर के 5 में से 5 नंबर तो होते नहीं हैं, तो जब रिव्यू चेक करते हैं किसी के 5 में से 4 होते हैं, किसी के 3.5 होते हैं, किसी ने गलत भी कमेंट्स डाले होते हैं, कईयों ने बड़े भी डाले होते हैं, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अभी कारण क्या है कि भगवान तो हूँ नहीं कि सारा कुछ हर चीज़ हम बढ़िया करें, तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फोन्स आते हैं, कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं तो हम उठा नहीं पाते। तो इस वीडियो के थ्रू मैं एक और चीज़ बता दूं, तो जो रिव्यू देखकर भी बेचारे डर गए कि हाँ आपके कुछ लोगों ने रिव्यू गलत डाले हुए हैं, तो हमारा जो था वो 4 का है, एटलीस्ट हमें 4 स्टार्स मिले हुए हैं गूगल के रिव्यूज़ हैं जो, तो कहती मैं थोड़े मैडम कहते मैं कन्फ्यूज़ थे। तो रिव्यू ज़रूर चेक करें, उसके अंदर लोगों ने अच्छे भी रिव्यू दे होते हैं, मैं मेजोरिटी ऑफ अच्छे रिव्यूज़ आपको मिलेंगे, तो लोग गलत भी रिव्यू देते हैं, चाहे कोई भी है, चाहे हमारे मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उनके भी आप रिव्यू चेक करेंगे, किसी का भी आप रिव्यू चेक करेंगे, किसी भी कंपनी का भी रिव्यू चेक करेंगे, 5 में से 5 किसी के नंबर नहीं आते, किसी के 3.5 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 4.5 होते हैं। तो अब मैं इस वीडियो के थ्रू और भी आपको बता दूँ, इस हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर 400 या 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में एक नंबर है 97805-63753। ये जो नंबर है इसका जो डायरेक्ट व्हाट्सअप मेरे पास चलता है, अगर आपका कोई भी फ़ोन नहीं उठाता तो आप मुझे डायरेक्टली उस व्हाट्सअप पर टेक्स्ट करिए, तो मैं इमीडिएटली जो अपने ऑफिस के आवर्स होते हैं 10 से लेकर 6 बजे के बीच में आपको 100% आपको मैं रिप्लाई करूंगा। अगर हमारा एम्प्लॉई कोई भी फ़ोन नहीं उठाता तो मैंने फिर रिपीट कर दूं, हमारा जो नंबर है एक डेडिकेटेड 97805-63753 उसके ऊपर आप मैसेज छोड़ें, वो व्हाट्सअप 24 आवर्स मेरे पास रहता है, लेकिन मैं वर्किंग आवर्स में आपको 100% रिप्लाई करूंगा। तो अभी हम मैडम से पूछते हैं, मैडम जी कैसा लगा हम आपको हमारे साथ एक्सपीरियंस? सर बहुत ही बढ़िया, जितना मैं पहले कंफ्यूज थी कि मुझे पता नहीं कैसे आपको बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट जब मैंने आपको पासपोर्ट सबमिट किया और कुछ ही दिनों में मेरा पासपोर्ट वापस आ गया, जैसे दिल्ली जाना मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन आपने मेरी पूरी मतलब लेके मेरी जिम्मेवारी थे काम मेरा दिल्ली जाके खुद मेरा पासपोर्ट सबमिट करवा के BFS विच मतलब वापस आज मैंने मिल गया पासपोर्ट, मेरा वीज़ा स्टैंपिंग वीज़ा वो मुझे मिल गया है और मैं बहुत ही खुश हूँ। और सर और इनका सारा स्टाफ बहुत ही बढ़िया है, सभी बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं, जितनी बार मर्जी कॉल करो सभी बहुत अच्छी बात करते हैं और इनका सारा स्टाफ बहुत बढ़िया है और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो मैडम अभी मुझे 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं 5 में से 5 दूंगी, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि मेरा सारा काम इन्होंने आप खुद जिम्मेवारी लेके किया है, तो मैं तो इन्हें 5 में से 5 ही दूंगी। चलो थैंक यू, मैंने फिर बता दिया हम इंटेंशनली किसी के साथ भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। अभी फोन का वर्क का लोड होने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम उन्हीं केसेस को लेने की कोशिश करते हैं जिसमें हम रिजल्ट्स लें, तो हमारी कभी भी बैड इंटेंशंस नहीं रहती कि हम आपसे गलत तरीके से कोई पैसा लें। तो अभी मैडम जी ट्रैवल कर लेंगे कुछ दिनों में, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू जर्मनी तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।